हूँ आपके साथ जहारा और आप देख रहे हैं मन्नत समाचार। तो चलिए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर। 100% बरामदगी के साथ चोरी के अभियोग का अनावरण, 3 चोर अभियुक्त गिरफ्तार। मन्नत समाचार डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ के साथ अमान काजी की रिपोर्ट। थाना खतौली मुजफ्फरनगर अवगत कराना है कि दिनांक 21 अगस्त 2021 की रात्रि को थाना क्षेत्र खतौली में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा घर में घुसकर चोरी की गई थी, जिसके संबंध में थाना खतौली पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना खतौली पुलिस द्वारा महज 24 घंटे के अंदर उक्त अभियोग का सफल अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार हुए अभियुक्तों के नाम अहमद पुत्र सलीम निवासी थानेश्वर मंदिर रोड बुढ़ाना मोड़ थाना खतौली मुजफ्फरनगर, जुनेद पुत्र यूसुफ निवासी मोहम्मद इस्लाम नगर कस्बा व थाना खतौली मुजफ्फरनगर, फरमान पुत्र अनवार निवासी खालापार थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर। बरामदगी का विवरण, 1 तमंचा में 1 जिंदा व 1 खोखता कारतूस, 315 बोर, 2 नाजायज छुरा, 1 स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल नंबर DL7S B40404, 1 लैपटॉप सोनी, 3 मोबाइल, 11,000 रुपये नकद चोरी किए। थाना खतौली पर पंजीकृत CN 474/21 US 4573/80 411 IPC से संबंधित 7 पैकेज काजू व 7 पैकेट पिस्ता, थाना कोतवाली नगर पंजीकृत CN 516/21 US 380/411 IPC से संबंधित। अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि थाना क्षेत्र खतौली के साथ साथ उनके द्वारा दिनांक 19 अगस्त 2021 की रात्रि को थाना क्षेत्र कोतवाली नगर स्थित खालापार में एक दुकान से मेवा चोरी किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त फरमान उपरोक्त के विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों में चोरी, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर, गुंडा एक्ट जैसी अन्य धाराओं में लगभग 2 दर्जन अभियोग पंजीकृत है। खतौली और इनकी टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ में 3 साथी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके द्वारा 21/22 की रात में श्री अफजाल अहमद, जो कि लाल मोहम्मद मोहल्ले के निवासी हैं, इनके घर में रात्रि में चोरी की थी, जिसमें लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, नकदी, 100% माल की रिकवरी हुई है। ये साथी किस्म के अपराधी हैं, जिसमें जो फरमान नाम का अपराधी है, इसके विरुद्ध लगभग 2 दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं और बाकी अन्य जगहों पर भी इनके द्वारा चोरी की घटनाएं की गई हैं। इसके बारे में हमको पूछताछ सर मुठभेड़ के दौरान बदमाशों के पास क्या कहेंगे? मुठभेड़ के दौरान इनके पास से 1 तमंचा, चाकू और 1 मोटरसाइकिल, जिस पे भी इंजन नंबर, चेसिस नंबर के आधार पे संभवतः हुई चोरी की है, हम लोग उसको भी ट्रेस करते हैं। सर जांच में किस तरह से सामने घटना को किस तरह से अंजाम देते थे, मतलब और भी गैंग के सदस्य हो सकते हैं? हाँ, निश्चित रूप से इनके गैंग के और भी सदस्य हैं और ज़्यादातर ये रात्रि में ही मकान में घुसते थे और चोरी करते थे। चोरी की घटनाओं का ही ये बहुत बड़ा गैंग है, इसके बारे में जानकारी।